आपके साथ प्रगति शर्मा और मेरे साथ हैं सुजाता और शिखा। रुक कर लेते हैं 5 में 25 का। यूपी के अमरोहा में पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। आग पर फायर ब्रिगेड ने काबू पा लिया। फैक्ट्री में आग लगने से 4 मजदूर बुरी तरह झुलस गए हैं, इनमें से 2 की हालत गंभीर है, अस्पताल में कराया गया भर्ती। महाराष्ट्र के पुणे में नासिक फाटा के पास बम धमाका हो गया, मौके पर फायर ब्रिगेड मौजूद, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गुजरात के अहमदाबाद में दाली लिमडा इलाके में आग लग गई, मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद, किसी के जानमाल के नुकसान नहीं। 45 शवों को लेकर कोच्चि एयरपोर्ट पहुंचा वायुसेना का विमान, कुवैत अग्निकांड में 45 भारतीयों की हुई थी मौत। कुवैत में आग से जान गंवाने वाले 45 मृतकों के शवों को भारत लाया गया है। केरल के सीएम पिनरई विजयन, केरल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्रन भी एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने बुलाई हाई लेवल बैठक, पुलिस मुख्यालय श्रीनगर में होगी बैठक, कई मुद्दों पर होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर के रामबन में अमरनाथ यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक हुई, एसएसपी ने आतंकवाद विरोधी अभियानों के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। जम्मू कश्मीर में सेना के ऑपरेशन पर डीआईजी का बयान, आतंकियों को ढेर करने के लिए चलाया गया स्पेशल ऑपरेशन, आतंकियों के करीब है सेना के जवान, जल्द ही आतंकियों को ढेर किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों के ठिकाने तबाह करने के लिए सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है, डोडा किश्तवाड़ और रामबन में डीआईजी ने कैंपिंग की। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में खीर भवानी मेले का आयोजन हुआ है, भारी संख्या में पहुंचे कश्मीरी पंडित मेले में पहुंचे, खीर भवानी मेले में किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। लखनऊ के अकबर नगर में 4 दिन से अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन जारी है, कुकरेल नदी के किनारे बने अवैध मकानों को तोड़ने का काम चल रहा है। अकबर नगर में अब तक तोड़े जा चुके हैं 500 से ज्यादा अवैध मकान, 1500 से ज्यादा घर अभी भी बचे हुए हैं। ओडिशा के मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन का बयान, कहा ओडिशा लोगों के हितों की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता है, इतिहास और संस्कृति की हम रक्षा करेंगे। आरएलडी नेता मलूक नागर का ईडी गठबंधन पर हमला, कहा लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति की चिंता न करें विपक्ष, खड़गे जी को जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं। मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर कांग्रेस नेता अजय राय का हमला, कहा मोदी जी ने काशी में गुजरातीकरण कर दिया है, काशी में गुजरातियों को दिए रोजगार के अवसर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विशाखापट्टनम के लिए रवाना हुए, भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। दिल्ली में पानी का संकट बरकरार है, बूंद बूंद पानी को तरस रहे लोग, टैंकर के लिए घंटों इंतजार करते हैं लोग। दिल्ली जल संकट पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का बयान, कहा दिल्ली में व्यवस्था खराब करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली की मुनक नहर पर पुलिस की पेट्रोलिंग जारी है, 5 थाने के 170 पुलिसकर्मी नहर की पहरेदारी कर रहे हैं, पानी चोरी कर रहे 2 टैंकर जब्त किए गए हैं, पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी का AIMIM चीफ पर हमला, कहा असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को डराने और भड़काने का काम करते हैं। उत्तराखंड वन विभाग ने आंकड़े जारी किए, नवंबर से जून तक जंगल में लगी आग की 1220 से ज्यादा घटनाएं सामने आई, आग लगने की चपेट में 10 लोगों की मौत हुई है जबकि कई लोग झुलस गए। महाराष्ट्र के पुणे में तेज रफ्तार कार ने महिला को जोरदार टक्कर मार दी, सड़क हादसे में महिला बुरी तरह घायल हुई है, आरोपी की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। यूपी के आगरा में भ्रष्ट पुलिस वालों पर एक्शन हुआ है, 55 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं, पासपोर्ट सत्यापन प्रक्रिया में ढिलाई बरतने का आरोप। मध्य प्रदेश के दतिया में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 5 लोगों की मौत हो गई, 25 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हुए हैं, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अंदर जाके देखना, सब रो रहे हैं पानी के लिए, पानी नहीं है, जो जीते ना वो फायदा उठा लेते हैं अपना, बस सुबह जल्दी उठना, ना कोई नाश्ता करना, ना कोई ब्रश करना, बस टैंकर के लिए लगा रहना पड़ा है। राजधानी में जल युद्ध, दिल्ली में जल संकट साफ तौर पर नजर आ रहा है, 2 तस्वीरें आपको दिखाएंगे हम, पहले
पहली तस्वीरें दिखाते हैं जल संकट की। ये देखिए जरा, जब टैंकर आ रहा है तो किस तरीके से भगदड़ यहाँ पर मच रही है, लोग भागते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इस तरीके की जो तस्वीरें आप नजर आ रही है, देखिए राजधानी दिल्ली है लेकिन ये दिल्ली प्यासी है, बेसिक चीज पानी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, और उसके लिए किस तरीके से भगदड़ मच रही है, लोग कैसे, क्योंकि देखिए थोड़े टाइम के लिए आता है और उसके बाद एक दो मिनट में ही पानी खत्म हो जाता है, किस तरीके से लोग, आप ये देखिए बच्चे तक चल रहे चढ़ते नजर आ रहे हैं, महिलाएं चढ़ती नजर आ रही हैं क्योंकि सबको पानी कलेक्ट करना है और पानी यहाँ पर थोड़ी देर के लिए दिया जाएगा फिर ये टैंकर चला जाएगा, तो ऐसे में जितने कैन जितनी बाल्टियां भर सके। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, चाहे आप बात पुरुषों की करें महिला की करें, आप चले दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर आपने देखी कि कैसे टैंकर आता है तो फिर क्या कुछ देखने को मिलता है, अब दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। पानी की पहरेदारी की जा रही है, जल संकट की वजह से जब टैंकर आता है तो थोड़ा समय मिलता है फिर पानी लोग कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन वहाँ भगदड़ मची रहती है, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पानी की पहरेदारी मुनक नहर की पहरेदारी हो रही है कि पानी की चोरी ना हो जाए, पेट्रोलिंग इसलिए पुलिस टीम कर रही है। दिल्ली पुलिस की बात करें तो ना सिर्फ बाइक से पेट्रोलिंग की जा रही है बल्कि यहाँ पर जीप कार वाहन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।